तो मैंने कुछ दिन पहले एक टिकटॉक देखा यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर एक आदमी किसी एक फलाना कैरेक्टर का कॉस्प्ले करके वियर्ड मूव्स कर रहा था कमर इलाके, और जिस कैरेक्टर का उसने रूप धारण किया था उसके बारे में जब मैंने गूगल किया तब मेरे को पता चला जीरो टू के बारे में, जेरोतो उर्फ जेरोत्सो। मैंने बोला ये क्या चीज है, देखना तो पड़ेगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एनिमे ना, वो मैंने इसी कारण देखना चालू किया था और इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब मैं गया तो था जीरो टू के लिए, लेकिन जितना डबल मीनिंग इसके अंदर भर के डाला है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तुम लोग शायद बिलीव भी नहीं करोगे, लेकिन इसके अंदर अपने को कुछ बहुत ज्यादा विचित्र डायलॉग सुनने मिलते हैं। आई फील माई सेल्फ गोइंग डीपर इन साइड यू, यू वाना राइड मी, हाँ। ये डायलॉग लिटरली शो के अंदर है। तुम लोग अब बोल सकते हो कि भाई तेरा डर्टी माइंड काम कर रहा है, शो सही होगा। और अगर ये कोई दूसरा एनिमे होता तो फिर मैं अपना डिफीट आराम से मान लेता, लेकिन जिसने भी ये डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एनिमे देखा है ना, वो मेरे साथ अग्री करेगा कि भाई ये डबल मीनिंग को क्रिएट करने के पीछे शो के क्रिएटर्स का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा वाला दिमाग भी है। क्योंकि देखो, इस शो के अंदर बड़े बड़े जायंट रोबोट्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है फाइटिंग करने के लिए, और उन रोबोट्स को चलाने के लिए तुमको दो लोग चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, वो भी ऐसे पोजीशन में। हाँ, अगर रोबोट को काम करना है तो फिर लड़की को आगे झुकना पड़ेगा, लाइक व्हाट द फक इज दिस। और तुम लोग सोच रहे थे मैं डबल मीनिंग ले रहा है शो से, लेकिन अगर ये फोटोज देखने के बाद तुमको ऐसा आइडिया रहा ना कि ओ ये उस टाइप का शो है, तो नहीं, ये उस टाइप का शो नहीं है। क्योंकि ऐसे एकदम हाईली इमेजिनेटिव पोजीशंस के साथ साथ ये एनिमे कुछ डीपर थीम्स को भी एक्सप्लोर करता है, जैसे कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ ह्यूमन, लव, इमोर्टैलिटी। ऊपर से अगर तुमको ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो इस लिस्ट के अंदर तुम लोग और भी दो तीन वर्ड्स ऐड कर सकते हो। लेकिन भाई जो पहले एपिसोड के अंदर जीरो टू का जलवा दिखाया है पहला ही एपिसोड था ना या दूसरा था, प्रो टिप दे रहा हूँ, इसको घर के कोने में बैठ के देखना, हॉल में लगा दिया तो तुमको किया जाएगा वैसा। लेकिन अगर अब हम लोग अपनी ठरक को थोड़ा साइड में रखे ना, तो फिर इस एनिमे के अंदर जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लगा वो इसके कैरेक्टर्स। मोस्टली एक ग्रुप के ऊपर फोकस किया है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं। वो लोग कैसे धीरे धीरे करके अपनी ही दुनिया के बारे में पता करते हैं कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक इंसान होने का जो एक्सपीरियंस होता है वो उनको पूरे शो के दौरान मिलता है, और ये जो रोबोट्स को चलाने वाले पायलट्स हैं उनकी खुद की कैसी पर्सनालिटीज है, आपस में उनके कैसे रिलेशंस हैं, ये उसके पीछे, वो उसके पीछे, कौन किसके पीछे। देखो, इस दुनिया के अंदर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन जितना गंदा अपने भाई का कटा है ना, वो कभी नहीं भूलेगा मैं। बहुत दुख हुआ यार, बहुत ज्यादा। इसके अंदर के एनिमेशन को लेकर मैंने कुछ एक डिफरेंट चीज नोटिस करी कि जैसे आजकल जो मैं एनिमे देख रहा है कागुया-सामा कोमी-सान, उनके अंदर वो लोग 3 से 4 फ्रेम लेते हैं और उसी को बार बार रिपीट पे चलाते हैं, 1-2 सेकंड का फुटेज निकल गया। या फिर अगर कैरेक्टर्स के मूवमेंट भी दिखाने तो फिर जो बेसिक आउटलाइन होता है 2D में उसको एक फ्रेम ड्रॉ कर देंगे और एनिमेशन के नाम पे सिर्फ आंखें या मुंह हिलते दिखाएंगे। ये चीज कॉमन है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स के अंदर भी, तुमको ऐसे फ्रेम्स दिख जाएंगे। लेकिन मैंने जो नोटिस किया ना कि बहुत बार शॉट्स वाइड एंगल पे लॉक्ड होते हैं और कैरेक्टर्स उसके अंदर ही मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी घूम रही है। तुमको नहीं समझ में आया तो एकदम सिंपल में बता देता हूँ कि बेसिक सीन्स जिसमें दो कैरेक्टर्स भी बात कर रहे हैं ना, उसको भी एनिमेट करने के लिए अच्छा खासा एफर्ट डाला है। लेकिन इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है ना कि इस सीरीज के अंदर का एक्शन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो फाइट सीक्वेंस के अंदर का एनिमेशन उतना बढ़िया नहीं था। डेमन स्लेयर ने मेरे को स्पॉइल कर दिया है। और ये डार्लिंग इन द फ्रैंक्स को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेका वाली चीजें है ना, वो मेरे लिए तो नहीं है। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों को वो जॉनर पसंद आता होगा जिसमें दो रोबोट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो मेरे टेस्ट में फिट नहीं बैठता कि ये कितना बड़ा रोबोट है, उसके अंदर इतनी छोटी सी लड़की बैठ के चिल्ला रही है। लेकिन उसके बदले अगर मेरे सामने एक मिडिल एज्ड मैन रख दिया जाए, वो भी आग के ऊपर जो कि चिल्ला रहा है प्रोमिनेंस बर्न, दैट्स ऑर्गेज्म राइट देयर। लेकिन जो सबसे बड़ी कंप्लेन है मेरी इस एनिमे को लेके, कि अराउंड एपिसोड 18-19 के पास एक बहुत बड़ा ट्विस्ट वो लोग ड्रॉप करते हैं, जो कि इतना ज्यादा सडन है कि मुझे पसंद नहीं आया। इसकी स्टोरी अब तक चल क्या रही थी, हम लोग फोकस कर रहे थे इन कैरेक्टर्स के ऊपर, और तुम लोग एकदम से भाई कहा की चीज कहां गिरा रहे हो, ना कुछ सेटअप ना कोई हिंट, सीधा तुम्हारे सामने। फिर उसके आगे अपने को जो दिखाया ना, वो देखते वक्त मैं क्वेश्चन कर रहा था कि स्पॉइलर हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, एक फलाना जगह पे एक्सप्लोजन कैसे पॉसिबल है, बम कैसे फूट रहे वहां पे, जिसके कारण मुझे ऐसा फील हुआ ना कि अरे यार अब तक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था और एकदम से तुमने क्या बना के रख दिया। बट लास्ट के जो मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड से वो फिर से थोड़ा ग्राउंडेड अप्रोच लेते हैं मेजोरिटी कैरेक्टर्स को लेके, और वो चीज पसंद आई मेरे को जिस तरीके से इन्होंने डार्लिंग इन द फ्रैंक्स एनिमे को खत्म किया है। आई लाइक इट, थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम जाके देख सकते हो डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। अगर अब तक नहीं देखा है तो इसका एक ही सीजन है और 24 एपिसोड्स बस। अब मैंने गूगल वगैरह तो किया नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसका आगे भी सीजन आएंगे, क्योंकि स्टोरी कंक्लूड हो चुकी है। और भले इसके अंदर की कुछ चीजें मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई हो, लेकिन ओवरऑल फिर भी एक अच्छा एनिमे है। जीरो टो के लिए कुछ भी।